लॉन्च होने के साथ ही मुल्क भर में इसके खिलाफ एहतजाज देखने को मिल रहे हैं। जहां बिहार के अंदर बड़ी तशद्दुद के वाकयात भी सामने आए, वहीं ये एहतजाज अब राजौरी में भी पहुंच चुका है, जहां जम्मू पुंछ हाईवे नौजवानों ने बंद किए। इनसे बात करेंगे। सर, क्या मांगे हैं आपकी इसको लेकर? सर, जैसा कि सबको पता है कि परसों इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ हैं, उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनने ये कहा कि अग्निपथ स्कीम को लागू किया उनने, और उनने ये कहा कि जो हमारी भर्तियाँ हुई थी, जिनका सी एग्जाम पेंडिंग था, वो रद्द कर दिया गया इनके द्वारा। सर, किस वजह से? हमने क्या ऐसी गलती की थी कि हमने मेहनत नहीं थी की? क्या हमारी मेहनत में कोई कमी थी यहाँ तक जो इन्हें हमारा एग्जाम भी कैंसिल कर दिया और सी को लागू कर दिया, जिसमें ये 4 साल के लिए भर्ती करेंगे? सर, हम पांच साल से तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए, और हम 4 साल की सर्विस करेंगे? सर, आप खुद सोचो, आप 5 साल तक किसी चीज के लिए मेहनत करके 4 साल के लिए जाओगे? नहीं जाओगे। हम भी नहीं जाना चाहते सर सर्विस के लिए। हम ये चाहते हैं कि टीओडी अग्निपथ स्कीम है, इसको वापस किया जाए, आर्मी में 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाए, जो पहले 21 थी एज, अब 30 तक कर दी जाए, और जो हमारा सी एग्जाम पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द करवाया दिया जाए। और इससे पहले पिछले साल 25 अप्रैल को हमारा एग्जाम था सी, और कई जगह पर इससे पहले भी था, लेकिन बार बार कोरोना का हवाला देके हमें ये कह दिया जाता था कि कोरोना की वजह से आपका एग्जाम नहीं हो पा रहा, बल्कि इनकी रैलियां हो रही थी हर जगह, लाख 1.5 लाख आदमी इनकी रैली में आ रहा था, लेकिन 4,000 आदमी हमारा फिट था, उसका 1 घंटे के लिए एग्जाम नहीं करवा सकते थे, अपनी रैलियां 4-4 घंटे की कर सकते थे ये। सर, इसलिए यही मांग है, हमारा एग्जाम फिर से एग्जाम करवाया जाए, सी जो जिसको कहते हैं 2 साल की रिलैक्सेशन दी जाए, और टीओडी अग्निपथ स्कीम इसको वापस किया जाए, यही मांगे हमारी। सर, बिल्कुल, आप देख सकते होंगे इन नौजवानों के एहतजाज को। जनाब, किस तरह देखते हैं आप इस एहतजाज को? और आज इनने पूरा अमन जो है एहतजाज किया है, और अभी ये सारे ये जो नौजवान हैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी, एसएसपी राजौरी से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनको अपना मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। अगर आने वाले दिनों में इनकी मांग ना मानी गई तो ये वापिस जो है सड़क पर उतरेंगे और एहतजाज करेंगे अपना हक लेने के लिए। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे ये वो नौजवान हैं जिनकी तरफ से ये कह रहा है कि वो पिछले 5-5 साल से सेना में भर्ती होने के लिए तैयारियां कर रहे थे, मगर सरकार ने अचानक एक ऐसी स्कीम लॉन्च की जिसके चलते हिंदुस्तान में आज एहतजाज देखने को मिल रहे हैं। जहाँ बिहार के अंदर और हरियाणा के अंदर कई बड़े तशद्दुद के वाकयात भी सामने आए हैं, वही ये एहतजाज अब राजौरी के अंदर भी पहुँच चुका है। जम्मू पुंछ हाईवे इन्होंने बंद की हुई और इनकी मांग है कि स्कीम को वापस लिया जाए। वही इंतजामिया के साथ इनकी लगातार भी हो रही है, और इनकी तरफ से इंतबाह भी दिया गया कि अगर आने वाले 2 दिन के अंदर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू किए जाएंगे।